रहीमन दागा प्रेम का मत छोड़ो तोड़ो चिटकाए, टूटे से फिर ना मिले मिले गांठ पर जाए। रहीम जी अकबर के दरबार में नवरत्नों में से एक मुख्य कवि थे। इन्होंने नीति भक्ति श्रृंगार आदि पे बहुत कुछ लिखा है। अरबी फारसी संस्कृत हिंदी के अच्छे विद्वान थे। तो रहीम जी प्रेम के बारे में लिखते हैं कि प्रेम बहुत नाजुक चीज़ है। प्रेम कभी किसी को बंधन में नहीं रखता। जैसे प्रेम एक कच्चा धागा होता है, उसको थोड़ा सा छिटक दो तो टूट जाता है, इसी तरह प्रेम नाम ही विश्वास का है। जहाँ प्रेम है वहाँ कोई बंधन नहीं होते, कोई नियम कोई कानून कुछ भी नहीं। जहाँ निरोल उदात प्रेम होता है, तो रहीम जी कहती हैं कि प्रेम को एक कच्चे धागे की तरह चिटका के नहीं तोड़ देना चाहिए। अगर ये टूट जाए, धागे को तो फिर भी जोड़ोगे लेकिन गांठ तो पड़ गई। इसी तरह अगर प्रेम टूट गया तो फिर वो प्रेम नहीं रहता, फिर उसमें गांठ पड़ जाती है। कईयों को देखते हैं दुनियादारी के लेन देन रिलेशन भी बनाते हैं तो पैसा देख के बनाते हैं। अगर पैसा है किसी के पास तो रिलेशन, और फिर उसको प्रेम बोलेंगे। प्रेम नहीं, प्रेम अमीरी नहीं देखता, गरीबी नहीं देखता। प्रेम तो सिर्फ कुर्बानी का नाम है, एक दूसरे को समर्पण की भावना है। आजकल के हालात के अंदर देखते हैं लोग एक दूसरे को पाने के लिए पता नहीं क्या कुछ करते हैं, वशीकरण तांत्रिक क्रियाएं बहुत कुछ देखने को मिलता है। सोचो अगर किसी का आपके साथ प्रेम है तो ये चीज़ें उसके लिए क्या मायने रखती है। और अब मान लो आपसे कोई प्रेम ही नहीं करता, आपने ये चीज़ें करवा ली, पहले तो इन चीज़ों में विश्वास नहीं करना चाहिए। अगर करवा भी ली, हो भी गया, आप लोगों के पास आ भी गया, तो क्या वो रुक जाएगा? अगर आपके उसके साथ दिल से प्रेम नहीं है तो किसी को आप बंधन में बांध कर नहीं रख सकते। और जो लोग रिलेशन बनाते हैं, पैसा देख के बनाते हैं, फिर उसको प्रेम बोलते हैं, ये कभी प्रेम नहीं। मैंने खुद देखी है अपनी ज़िंदगी में, एक शादी जैसे पवित्र रिश्ते को भी लोग पैसे के ऊपर तोल की और फिर उसमें सारी लाइफ प्रेम से गुजारने की, जीने की तमन्ना रखते हैं। प्रेम तो कृष्ण ने सुदामा से किया था, सुदामा ने कृष्ण से किया था, राधा ने कृष्ण से किया था, कृष्ण ने राधा से किया था, मीरा ने कृष्ण से किया था, वो प्रेम होता है। ये प्रेम नहीं, जब जब तुम लोगों हम लोगों का आंखों से ऊपर ऊपर तक प्रेम, जब हम आंखों से नीचे भावनाओं में बह जाते हैं तब वासना होती है, प्रेम नहीं होता। और जो लोग देखे पैसा देखे रिश्ते बनाते हैं ज़िंदगी में, उनके कभी रिश्ते निभते नहीं, वो रिश्ते कभी कामयाब नहीं होते। वो एक कच्चे धागे की तरह होता है, पता नहीं कब टूट जाए। प्रेम को तुम खरीद नहीं सकते, प्रेम किसी दुकान पे नहीं बिकता जो खरीद लोगे। एक संत ने और लिखा है, कवि ने, जो तो को प्रेम मिलन का चाव, सिर धरतली गली मोरिया। अगर किसी को प्रेम की इच्छा है, जो चाहता है मुझे प्रेम मिले, तो सिर को अपनी हथेली पे रख के, ये नहीं है कि गर्दन काट के हथेली के ऊपर रख के आओ, अपनी ईगो अपना अहंकार सब खत्म करके जब हमारे अंदर समर्पण की भावना आती है तब हमें प्रेम मिलता है।
हम जबरदस्ती किसी से प्रेम नहीं कर सकते, ना किसी से जबरदस्ती प्रेम पा सकते हैं। प्रेम को तुम लोग खरीद नहीं सकते, हम लोग नहीं खरीद सकते प्रेम को। मेरे साथ भी जिंदगी में कुछ ऐसी चीजें होंगी पहले तो लोग रिश्ता ही बनाना तब चाहते हैं भी हाँ इसके पास पहले, फिर दिखावा करते हैं कि हम बड़ा प्रेम करते हैं, हमें बड़ा प्रेम। इसीलिए रहीम जी कहते हैं रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो, चटकाए टूटे फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ जाए। अगर प्रेम किसी के साथ है पहले तो किसी को, अगर किसी से प्रेम होगा तो वो कभी नाराज नहीं होगा, उसके मन में ये होगा यार प्रेम मेरी वजह से दिल को ठेस ना लगे। हर बात को सोच समझ के करते हैं, हर चीज़ व्यवहार भी करेंगे तो सोच समझ के करेंगे। हाँ अगर किसी से प्रेम है, अगर आप लोगों का टूट गया धागे जोड़ोगे ना तो उसमें भी गांठ बढ़ जाती है, लेकिन जो प्रेम है फिर वो प्रेम नहीं रहता, फिर उसमें गांठ तो पड़ी जाती है। बेशक साथ में रहें, प्रेम की अवस्था बहुत उच्च अवस्था होती है। प्रेम के अंदर कोई द्वेष राग, कुछ पाने की इच्छा, कुछ खोने की इच्छा, वहाँ तो कुर्बानी सब कुछ निशावर करने की और उसके बदले में कुछ ना पाने की भावना हो सब कुछ तब होता है। या तो प्रेम कोई दुनिया में माँ दे सकती है अपने बच्चे को, या फिर कोई कुछ कोटि के संत है वो प्रेम बाण से जिन्होंने प्रेम को पाया। ये दुनिया भी प्रेम प्रेम नहीं है, ये तो हमारे मतलब के रिश्ते हैं। आज अगर कोई अमीर है उसके साथ हमारा प्रेम है, हमने रिश्ता कर लिए बना लिए दोस्ती कर ली, तब तक ये है जिस दिन पैसा ख़त्म हुआ सब रिश्ते टूट जाते हैं, प्रेम पता ही तब प्रेम कहाँ गया। ये सब व्यवहार की बातें हैं, प्रैक्टिकल की बातें हैं।